This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। डायरेक्टर महकमाए सेहत हुकूमत तेलंगाना के खसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक रियासत तेलंगाना में 2 मई को कोविड-19 केसेस में कुछ हद तक कमी देखी गई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 5,695 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज होने और 49 कोविड मुतासरीन की मौत होने की इत्तला दी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पिछले चंद हफ्तों में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के पेश नज़र चारशंबे से जज़वी तौर पर लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला वायद जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में कोविड-19 के सूरत हाल पर जायजा लेने के बाद लोगों की नकल व हरकत पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने का फैसला लेते हुए चारशंबे से जज़वी तौर पर लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लिया और दुकानों और कारोबारी इदारों को सिर्फ सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम करने की इजाज़त होगी। तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर में 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दी। डॉक्टर श्रीनिवासा राव ने कहा कि ज़्यादा उम्र के ग्रुप को सिर्फ स्लूट की बुनियाद पर प्री बुकिंग पर टीका लगाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने लिंगोजी गुड़ा वार्ड जमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डी राजशेखर रेड्डी ने अपने खरीब तरीम हरीफ भारतीय जनता पार्टी के अखिल गौड़ से तकरीबन 1200 से ज्यादा वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत के लिए TRS ने इंसानी बुनियादों पर इंतखाब नहीं लड़ा था। साबिक वजीर सेहत एटला राजेंद्र ने TRS की क़ियादत में दोबारा लड़ाई लड़ी, KCR को अपने खिलाफ निशाना बनाया। एटला राजेंद्र ने सवाल किया कि लिंक रोड पर वाक़े KCR का फार्म हाउस गैर कानूनी तौर पर तजवीज़ करदा है, निजी तौर पर नहीं। जज्बाती तौर पर तेलंगाना के साबिक वजीर सेहत एटला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कहा, क्या आप 1000 साल तक इतेदार में रहेंगे? कल के इंतखाबी नतीजात से अवामी गुस्से का असर जाहिर हुआ, अवामी हतमी जज है। एटला राजेंद्र ने कहा, कोई भी वजीर उनके पूरी दिल से हिमायत नहीं करता है, कोई भी उनका एहतराम नहीं करता, पर मैं आपको जानता हूँ, आपके काम करने का अंदाज और आप मुख्तलिफ लोगों के साथ किस तरह सलूक करते हैं। अफराद या जमात मुंतकिल नहीं होते, निज़ाम मुंतकिल होता है। शहर हैदराबाद के कुछ हिस्सों में बारिश नज़र आई है। IMD ने तेलंगाना में 7 मई तक बारिश होने का इंतबाह जारी किया है। IMD ने कहा कि रियासत में 3 से 6 मई तक आसमानी तूफानी गरज चमक और फी घंटा 30 से 40 किलोमीटर की तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का इंतबाह दिया। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश का इम्कान है। GHMC हदूद में रहने वाले अफराद सेहत की देखभाल और कोविड किट के वसूली के लिए 0402411111111 पर फ़ोन कर सकते हैं। GHMC ने पीर को अपने कोविड कंट्रोल रूम को मुस्तहकम किया है और कॉल करने वालों की मदद और रहनुमाई के लिए डॉक्टर से मदद ली। कोविड-19 कंट्रोल रूम वबाई मर्ज़ के मुतालिक मर्ज़ पर काबू पाने के इकदामात के बारे में भी मालूमात फरहम करता है। ज़ाफ़रान मताम अल अरबिक की जानिब से रमजान में रोजदारों के लिए पेश करते हैं रमजान स्पेशल हलीम, प्योर मटन 4 गोशा असली घी में तरबतर ड्राई फ्रूट्स के साथ जायकेदार हलीम।